हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको मूंग दाल का हलवा बनाना सिखाऊंगी ये एकदम हलवाई के टेस्ट के जैसे बनेगा और इसे बनाने का एकदम आसान तरीका मैं आज, आज आपको बताने वाली हूँ एकदम टेस्टी बनेगा आसानी से बनेगा तो हमको खाने में और ज़्यादा मजा आएगा इसके लिए हमको जो जो सामान चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमने एक कटोरी मूँग दाल लिया है जिसको हमने अच्छे से पोछ लिया है और बाजू में रख लिया है इसके लिए हमने लिया है एक कटोरी शक्कर थोड़े से काजू किशमिश बादाम और इलायची पाउडर इलायची को हमने शक्कर के साथ पीसा था हमारी जो मूंग दाल है वो दोस्तों हमने धोई भी नहीं है भिगाई भी नहीं है हमने उसको एक साफ़ कपड़े से पोछ लिया है हम चाहे तो कपड़ा थोड़ा सा गीला कर सकते हैं जिससे हमारी दाल अच्छे से साफ हो जाएगी हम अपना सारा सामान इकट्ठा कर लेंगे दोस्तों ये बहुत आसान है और देखिए आप कितनी जल्दी बन जाएगा दाल साफ़ करने के बाद में हमें इसे बाजू में रख देना है हमने इसके लिए एक ग्लास दूध लिया है दोस्तों ये दूध डालने से हमारा इसमें घी बहुत कम लगेगा और इसमें बिल्कुल हलवाई वाला टेस्ट आ जाएगा दूध हमने भी बाजू में रख दिया है अब हम अपनी जो दाल है उसको मिक्सी में हमने दर दरा पीस लिया है दोस्तों दाल को ज़्यादा दर दरा भी नहीं पीसना है और एकदम फाइन भी नहीं पीसना है अच्छे से दाल पीसने के बाद में हम इसको भी एक तरफ रख देंगे हम एक कढ़ाई लेंगे कढ़ाई में हमने सिर्फ दो चम्मच घी लिया है घी हमने ज़्यादा नहीं लिया अब देखिए बाद में कम घी में भी हमारा दाल का हलवा कितना टेस्टी बन जाएगा घी गरम होने के बाद उसमें हम अपने काजू तल लेंगे काजू तलने के बाद उसमें हम अपने बादाम तल लेंगे इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा यही घी यूज़ आ जाएगा इस घी में हम अपनी पिसी हुई दाल डाल देंगे दोस्तों हमें गैस बहुत सिम रखनी है क्योंकि दाल जल ना जाए हमें इस धिम सिम पर एकदम धीरे से सेकना है तभी हमारे दाल के हलुए में स्वाद आएगा अच्छे से हम इसको धीरे धीरे भूनेंगे याद रखिए इसमें आपको ऐसे छोटे छोटे गोले नहीं बनने चाहिए हम इन्हें अपने चम्मच की सहायता से दबा देंगे अच्छे से ये भुनता रहेगा सिंपल हम अपने और दूसरे काम भी इसके साथ में कर सकते हैं भुनने के बाद में दोस्तों इसका रंग कुछ इस तरह हो जाएगा और इसकी खुशबू आने लगेगी जब इसकी खुशबू आएगी तब इसमें अपनी शक्कर डाल देंगे हम अपनी स्वाद अनुसार शक्कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं शक्कर डालने के बाद हम इसमें खड़ी शक्कर भी लिए पिसी भी ले सकते थे खड़ी मेरे पास थी इसीलिए मैंने खड़ी चक्कर ले ली है अच्छे से इसको थोड़ा सा आधे मिनट के लिए करने के बाद में हम इसमें एक ग्लास अपना जो दूध था लगभग 400 सौ वो हमने इसमें डाल दिया है ये डालने के बाद हमारे जो ड्राई फ्रूट्स थे साइड में थे उन्हें भी हमने अपना बारीक काट लिया है दोस्तों बड़े बड़े ड्राई फ्रूट्स हलवे में अच्छे नहीं लगते इसीलिए मैंने इनको छोटा काटा दूध डालने के बाद में हलवे को एकदम हम ऐसे मिक्स करेंगे तो हम फील करेंगे कि हमारा जो दाल का हलवा है वो एकदम लेई जैसा हो गया है अब इसका सीक्रेट हम इसमें एक बड़ा चम्मच मलाई भी डालेंगे दोस्तों ये वही सीक्रेट है जिसकी वजह से हमारा हलवा बहुत टेस्टी बनेगा और घी बहुत कम मात्रा में लगेगा मलाई भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे अब देखिए दोस्तों हमारा हलवा एक लेई जैसा लगेगा और आपको लगेगा शायद बिगड़ गया लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ये हलवा ऐसा ही हो जाता है अब इसमें हमने अपनी किशमिश डाल दी है किशमिश डालने के बाद अब हमको थोड़ा पेशेंस से हमारा हलवा कढ़ाई में चलाना है ये वही स्टेप है जिसे हमें बहुत ध्यान से करना है गैस सिम्पर रहेगी थोड़ा पेशेंस से आप दो से तीन मिनट अपने हलवे को चलाइए और आप देखेंगे कि आपकी जो दूध था वो पूरी तरह सूख गया है और जो हमारा हलवा है उसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है दोस्तों घी छोड़ने के बाद हमारा हलवा कुछ इस तरह दिखाई देगा हम इसे गरम गरम खाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा आप बिल्कुल मत घबराइएगा लास्ट स्टेप पर लास्ट में ऐसा लगता है कि ये ले ही हो गया है लेकिन ऐसा नहीं है वो हलवा ही रहता है दोस्तों इसको दिवाली का मौका है हलवा खाइए बनाइए और अपने सभी दोस्तों को भी ज़रूर खिलाइए मैंने आपको बताया था मेरे चैनल को अपने बच्चों को सब्सक्राइब करवा के दिखाइए जिससे आपके बच्चे भी कुकिंग सीख जाएँ थैंक यू